उलमाए कराम, सादत उज़ाम और शान इस्लाम चैनल के नाज़रीन, आजकल एक मसला ऐसा है कि अगर थोड़ी सी तवज्जो उस पर ना दी जाए और बंदा जो है उस गलती को कर गुज़रे और जमात में शरीक होने से पहले अगर इसने काम कर दिया, अगर ये काम उससे हो गया तो उसकी नमाज ही शुरू नहीं होगी। जी हाँ, ये एक ऐसा मसला है जिससे अक्सर लोग नावाकिफ़ हैं। अगर जाने अनजाने में कभी आपसे भी मसला सरज़द हुआ हो तो अपने उस नमाज की दोहराई या उस नमाज को दोबारा नए नए सिरे से अदा करना होगा। जी हाँ, जमात में शरीक होने से पहले इस काम से बचना लाजमी है। वो काम क्या है कि अगर मुक्तदी ने तकबीर तहरीमा यानी पहली तकबीर में लफ्ज़ अल्लाह इमाम के साथ शुरू किया और अकबर इमाम से पहले ख़त्म कर दिया तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। एक ऐसा मसला है जिससे अक्सर लोग नावाकिफ हैं। जमात में शरीक होने से पहले जब इमाम लफ्ज़ तकबीर तहरीमा में अल्लाह होकर पूरा कह ले तो मुक्तदी को चाहिए कि फिर वो तकबीर तहरीमा यानी लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहे। अगर इमाम के साथ लफ्ज़ अल्लाह शुरू किया लेकिन इमाम से पहले अकबर कह लिया तो अब ये जमात में शरीक ही ना हुआ कि इमाम से पहले उसने जो है नमाज का एक फ़र्ज़ पूरा कर लिया है। फतावा शामी वगैरह और दीगर कुतुब फिक के अंदर यही मसला दर्ज है। तो इस गलती से आपने बचना है। जमात में शरीक होने से पहले इसका ख्याल रखना है कि लफ्ज़ अल्लाह अकबर इमाम से पहले नहीं कहना है। अगर इमाम के साथ शुरू किया है तो इमाम के बाद ख़त्म कीजिए।